नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अजय प्रजापति। इस समय की बात करें तो हमीरपुर जनपद से चल करके मौधा विकास खंड क्षेत्र खंडे गांव पे मौजूद हैं। जैसा कि हमें जानकारी हुई थी कि यहां पर जो है मरे हुए लोग भी आज भी यहां पे जो है मनरेगा में कार्य करते हैं और अपना जो है जॉब कार्ड के माध्यम से रुपए भी उठाते हैं। आपको एक अजूबा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर जो हकीकत है ये हम यहाँ के लोगों के जुबानी जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं, एक नहीं दो नहीं कम से कम 70 लोग ऐसे हैं जो आज भी मरी हुई आत्माएं यहाँ आती हैं और अपने कार्य किए हुए के जो है पैसे उठाती हैं अपने नाम का। मैं मृतक की ये परिजन है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। उनकी डेथ कब हुई थी और आज भी उनका पैसा उठाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? रंजन की। आपके पति आज भी मनरेगा पे ड्यूटी करते हैं ऐसा जानकारी हुई है? हरिशंकर अभी ड्यूटी करते हैं। वो खत्म हो गए? कब खत्म हुए थे? 12 साल हो गए। नहीं, 12 साल हो गए, लेकिन जो कागज हैं वो कागज के माध्यम से तो आज भी वो ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं। आपको जानकारी हो गई? पैसा उठा रहे हैं। पैसा उठा रहे हैं? कौन लोग पैसा उठा रहे हैं? अब हम क्या बताएं, गांव प्रधान उठा रहे हैं कि कोई उठा रहा है, हम कौन पढ़े लिखे हैं कि कोई हमको जानते हैं। आपको जानकारी कैसे हो गई? ये जानकारी हो गई जैसे सब लोग लिस्ट निकाली गई तो उसमें जानकारी हो गई। नहीं, यानी कि यहाँ पर जो साफ तौर से देखा जा रहा है कि यहाँ जो है मिली भगत किस तरीके से जो कार्य किया जा रहा है, सरेआम जो है लोगों की आंखों पे धूल झोंकने का कार्य किया जा रहा है। जो 10 से 12 वर्ष पहले के जो मृतक लोग हैं आज भी उनके जॉब कार्ड जो है चढ़ाए जा रहे हैं और उनको ड्यूटी दर्शाई जा रही है। अच्छी खासी जो है उनके नाम की जो है कहें तो बंदरबाट किया जा रहा है, जो भी रुपये है उसका घोटाला किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आपको जानकारी हो गई तो आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहते हैं? हमारा जो जैसा खर्च पानी है जैसे लगते हैं तो हमको दे। अब मजदूर आदमी है, ऐसे काम नहीं देते हैं, पैसा निकाल लेते हैं। हाँ, आप लोगों को काम नहीं मिलता कभी? नहीं, कभी नहीं मिलता है। वो जब मरे हुए लोगों से काम करवा लेते हैं यहाँ के लोग, तो जिंदे लोगों को काम कहाँ से देते? बराती भाया प्रधान तो एक दिन काम नहीं दिया है, मदन भाया तो एक दिन काम नहीं दिया है, कम तो धोबी भाया तो एक दिन काम को नहीं देता है। हाँ, देख लीजिए, यहाँ पर जो है ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के ऊपर साफ तौर पे यहाँ की जनता जो उंगली उठा रही है कि वो जो यहाँ के जीवित लोग हैं वो काम कम चिल्लाते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ इन लोगों को काम नहीं देते हैं क्योंकि उनकी जो है सेटिंग है मरे हुए लोगों से, उनके खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाता है, वो कार्य जो है तत्काल हो जाता है, यही ना? हाँ, बस मशीन से काम करा लेते हैं रात। मशीन से काम करवा ले? मशीन से करा लेते हैं रात में। रात में जॉब कार्ड में भर के रात में भूत आते होंगे, वही मशीन लाते होंगे और वो सब काम करवा के अपना पैसा जो है। यहाँ आके आदमी लोग रहते हैं रात में, करवाते हैं चोर चोरा। आप लोगों को काम नहीं दिया जाता? दिया जाता है हमको काम, नहीं बैठे रहते। तो क्या क्या मांग करती हैं आप, जो अधिकारी है क्या मांग करती हैं? क्या मांग करते हैं हम क्या करते हैं? हमें काम दे, हमारा पैसा दे, नहीं उनकी हथकड़ी डाल रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो इन लोगों की जो मांग है कि इनका जो एक रहता है जो मनरेगा कार्य ग्रामीण लोगों के लिए दिया जाता है जिससे कि पलायन को रोका जा सके, जो गांव के लोग हैं वो दिल्ली पंजाब ना जाएं, गांव के बाहर मजदूरी करने ना जाएं और उन्हें गांव में ही रह के जो है मजदूरी दी जाए, इसके लिए ये मनरेगा योजना जो है लाई गई थी। लेकिन यहाँ जो देखा जा रहा है साफ तौर से जो भी मिली भगत इनकी अधिकारियों की है, उन लोगों के द्वारा जो है मरे हुए लोगों के जॉब कार्ड लगा करके पैसा निकाल लिया जाता है और जीवित लोगों को यहाँ पर कार्य नहीं दिया जाता है। गांव के लोग जो मजदूरी मजदूरी करते चिल्लाते रहते हैं और ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव जो है दूरी दूरी करते नजर आते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल। किस गाँव से? खंडे। क्या समस्या है? जो पापा खत्म हो गए थे उसका कोई पैसा वैसा कुछ ना निकला। पापा कब खत्म हुए? 3 साल हो गए। और ना है तो हमें राशन कार्ड दिया जाता है, राशन जो मिलता है ना कुछ ना दिया जाता। 3-4 बार ऑनलाइन करा है, कुछ भी ना आया। उसके कोटेदार के इधर जमा किया था कागज, वो भी ना दिया उसने। पापा खत्म हो गए बोला, जमा ही नहीं करके गए वो। काफी बार ऐसे किया, कुछ ना मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है उस पर। हम काम करते हैं क्या करें, 3-4 हज़ार का महीने कमाते हैं, खाते हैं, उसमें खाना पीना ना हमारा चल पाता है। आप क्या काम करते हैं? कपड़े वाला काम करते हैं, 2-3-4 हज़ार का महीना आता है, उसमें खाना भी ना होता है, क्या करेंगे? कपड़े वाला कहें तो ये जो मतलब कपड़ा धुलाई वुलाई होता है सूरत में, वहाँ पर रहते हैं। सूरत पर रहते हैं? देखिए देखिए, इन लोगों को जो है आवश्यकता है यहाँ पर रह के कार्य करने की, क्योंकि इनके जो है जो पिता थे वो भी नहीं है, इन लोगों को यहीं गांव में रह के जो है कार्य करने चाहिए था, लेकिन ये मजबूर है। जब यहाँ पे कार्य नहीं मिलता है तो ये जो दिल्ली पंजाब सूरत गुजरात कमाने के लिए मजबूर है। कब से जा रहे थे आप गाँव सूरत, कब से कमा रहे हैं? 3-4 साल जब से पापा गुजरे जब से कमा ही रहे हैं। और उम्र क्या है आपकी? उम्र 16 साल है। 16 साल है।
जरा सोचिए 16 वर्ष इनकी उम्र है और ये 3-4 वर्ष से पहले से मतलब जो है जब से इनके पापा की डेथ हो जाती है ये जो है बाहर कमाने के लिए जो है मोहताज हो जाते हैं। मम्मी क्या करती हैं? कुछ नहीं, घर पे रहते, दिमाग से हल्का कम है। लेकिन यहाँ काम हम नहीं मिलता होगा, गरीब रहते हो। कुछ काम कुछ ना मिलता और जो राशन मिलता है वो भी वही खा जाता है, कोटेदारी वो भी ना मिलता। राशन कार्ड नहीं बना आपका? राशन कार्ड बनवाया, ऑनलाइन कराया, फिर भी ना दिया जाता है। नहीं दिया जाता? क्यों नहीं दिया जाता? ऑनलाइन कराएं, बोले कागज ही ना आया हमारे इधर, कैसे देंगे, नाम ना आ रहा तुम्हारा। चलिए कहीं ना कहीं जो है जिस विभाग की बात करें तो वहां पर जो है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। जहां भी हम देखते हैं वहीं जो है भ्रष्टाचार ही नजर आता है। जैसा कि ये लगातार जो है कई बार प्रयास किए हैं लेकिन इनका आज तक जो है राशन कार्ड नहीं बन पाया है। और जो मुख्यमंत्री की जो योजना है जो फ्री राशन दिया जाता है उससे भी जो है इन्हें लाभान्वित नहीं किया जाता है। गाँव के कुछ लोग और हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इनका आरोप है कि ये कार्य जो करते हैं उसका भी भुगतान इन्हें नहीं किया जाता है। क्या नाम है आपका? शक्तिदेव। हाँ, थोड़ा तेज बोलिएगा। और क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि क्या कहते हैं, हम काम किन गौशाला में गाँव भरे के टारी भूसा खाली कड्डारो, हमारे पैसे नहीं दिन गाय आज तक। कितने दिनों से काम कर? हम जो हो तो क्या कहते वो मदन प्रधान के वो मकीन, तो फिर हम छोड़ दी ना, फिर नहीं किए ना। कितने दिनों का पैसा है? 4 महीने। अभी तक भुगतान नहीं हुआ ना? कभी आपने सिखो शिकायत की? सचो से कहो, सचो कह देने की क्या कहते हैं, अपन हिसाब करवा के जुड़वा के लाओ, हम निकला देंगे। वो कहो बस, सुन लेने का मिल जाएगा, मिल जाएगा, बस मिलता है। 5 साल बीत गई। अब क्या करते हैं आप? बस कुछ नहीं, अपन किसान निशान मनरेगा में कार्य में।